तो अब चलते हैं हम अपने 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से करें। कॉलम ए में आपको ग्रंथि और अंग दिए हुए हैं और कॉलम बी में उनके फंक्शंस, तो आपको उनसे मिलाना है। पहला है लाला ग्रंथि, क्या काम होता है लाला ग्रंथि का? लाला रस को स्रावित करना। तो देखिए ये इसका हमें मिल गया है, हम इसे ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए अगला है आमाशय। आमाशय का क्या कार्य है इनमें से अब हम देखेंगे। पित्तरस नहीं स्रावित करता, बिना पचा भोजन भी नहीं, हमें यहां दिख रहा है अमल का निर्मोचन। तो आमाशय से ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्मोचन होता है, ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट है यकृत। यकृत का क्या कार्य होते बेटा? पित्त रस स्रावित करना, बाइल जूस को सिक्रीट करना, ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट है मलाशय। मलाशय का मल त्याग। अगला देखिए शुदांत्र। शुदांत्र का क्या कार्य होता है आप इनमें से देखेंगे? पाचन का पूरा होना। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, जल का अवशोषण और बिना पचे भोजन का भंडारण। ये दोनों ही कार्य प्रीहदांत्र के द्वारा किए जाते हैं। तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने 12वें प्रश्न पे। आपको एक चित्र दिया हुआ है और वो है मानव पाचन तंत्र का। आपको इस चित्र को नामांकित करना है, लेबल करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ध्यान से करना है। हम ये पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, तो आइए अब हम इसको लेबल करते हैं। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं, ये कौन सा भाग है मानव पाचन तंत्र का, कौन सा अंग है? यह है ओइसोफेगस या ग्रसिका। अगला भाग बताइए ये क्या है? आमाशय। अब इसके साइड में देखेंगे, लेफ्ट में शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये, क्या नाम है इसका? यकृत। यकृत से पित्त रस सिक्रीट होता है, बाइल जूस। ये स्रावित होके अस्थाई रूप से कहां स्टोर होता है? पित्ताशय। आगे चले, आमाशय जा रहा है अब किसमें? शुदांत्र में। पर इससे पहले एक और अंग यहां है मौजूद, इसका नाम क्या है? पैनक्रियाज या अग्नाशय। ये जैसे कि मैंने आपको बताई बहुत कुंडलित होती है, ये कौन सी आंत होती है? छोटी आंत। आगे देखिए शुदांत्र जो है वो किससे कनेक्टेड होती है? ब्रीहदांत्र। ब्रीहदांत्र से मल का निर्माण हो जाने के बाद मल कहां स्टोर होता है? मलाशय। और इस अंग को कहते हैं मलद्वार या गुदा। ध्यान रहे बच्चों, जब आप लेबल करते हैं तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, इससे वो डायग्राम और लेबलिंग जो है नीट दिखाई देती है। एनटीपीसी फरीदाबाद एंड चीफ मिनिस्टर्स गुड गवर्नेंस एसोसिएट्स प्रोग्राम विद स्टार टीचर्स ऑफ फरीदाबाद।